नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भृंगराज के पौधे के फायदे के बारे में। यदि आपको लगता है कि भृंगराज सिर्फ बालों के लिए लाभदायक है, अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपका पूरा सोच को बदल देगा। इस औषधीय जड़ी बूटी के फायदे सिर्फ बालों को काला, लंबा और घना करने तक नहीं है, बल्कि यह कई शारीरिक समस्याओं में फायदेमंद है। अगर हम बात करें इस जड़ी बूटी के गुणों की, तो इसकी जड़, तना, पत्तियां और फूल हर एक भाग स्वास्थ्य के लिहाज से उपयोगी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भृंगराज के फायदे और नुकसान के बारे में। भृंगराज के सभी फायदों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, भृंगराज एस्टेरेसी परिवार से संबंध रखने वाला एक पौधा है, जिसे फॉल्स डेजी के नाम से जाना जाता है। इसकी खेती भारत के अलावा चीन, थाईलैंड और ब्राजील में की जाती है। भारतीय आयुर्वेद में इसका अधिक महत्व है। इसकी जड़ों से लेकर तने की पत्तियां और फूल को औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें एलर्जी को दूर करने वाला, लीवर को स्वस्थ रखने वाला और कफ जैसे श्वसन की बीमारी को दूर करना जैसे कई औषधीय गुण होते हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर इसका उपयोग सर्प दंश को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके फायदे के बारे में। अगर यह कहा जाए कि भृंगराज कई औषधीय गुणों का खजाना है तो गलत नहीं होगा। इसके प्रयोग से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। आइए भृंगराज के कुछ खास फायदों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। लीवर की समस्या या पीलिया रोग में भृंगराज के तेल के फायदे। लीवर के विकार से आम भाषा में जिसे पीलिया कहा जाता है, इस चिकित्सीय अवस्था में भृंगराज की पत्तियों और जड़ से निकले अर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें वेडेलोलैक्टोन, इसरोलिक और ओनिलिटिक एसिड जैसे फाइटोकंस्टिट्यूएंट्स औषधीय गुण मौजूद होते हैं, जो हेप्टोप्रोटेक्टिव के रूप में काम करते हैं। मौखिक रूप से लिया गया इसका अर्क एक टॉनिक के रूप में काम करता है। खांसी की रोकथाम के लिए भृंगराज के अर्क में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। इस गुणों के कारण यह खांसी का कारण बनने वाले कीटाणु करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इस गुणों के कारण भृंगराज हानिकारक कीटाणुओं को पैदा होने से भी रोक सकता है। इस प्रकार भृंगराज के अर्क का सेवन आपको खांसी से राहत दिलाने में फायदेमंद होता है, दस्त के इलाज में कारगर होता है। भृंगराज में एक स्पारमेडिक भी होता है। भृंगराज में पाया जाने वाला यह गुण दस्त को रोकने में कारगर हो सकता है। एंटी स्पारमेडिक मल को चिकना होने से रोकता है, जिस कारण दस्त से राहत मिल सकती है। साथ ही यह मांसपेशियों के सिकुड़न को भी कम करता है। बवासीर में भृंगराज के तेल के फायदे। जैसे भृंगराज के तने और पत्तियों में कई बीमारियों को दूर करने के औषधीय गुण होते हैं, वैसे ही इसकी जड़ भी कई रोगों का उपचार करने में फायदेमंद है। इसकी जड़ के अर्क को प्रतिदिन 2 बार गाय के दूध के साथ लेने से बवासीर का उपचार करने में मदद मिल सकती है। भृंगराज में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो प्रभावित क्षेत्र पर होने वाली सूजन को कम करते हैं। इससे मल को निकलने में आसानी होती है और धीरे धीरे बवासीर की समस्या भी खत्म हो जाती है। पेट की समस्याओं के लिए, जैसा कि हमने वीडियो में बताया है कि भृंगराज में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, जिस कारण इससे पेट की कई समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। भृंगराज में पाया जाने वाला यह गुण आपके पेट में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करके पेट के संक्रमण, अल्सर, जलन और बैक्टीरिया से होने वाली आंतों की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है। आंखों की देखभाल के लिए भृंगराज में कई एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। जहां एक ओर इसका एंटीबैक्टीरियल गुण आंखों को संक्रमण से बचाता है, वहीं इसका एंटीबायोटिक गुण आंखों को मधुमेह से होने वाले खतरे से बचा सकता है। इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण आंखों की सूजन को दूर कर आंखों को स्वस्थ करने में मदद कर सकता है। सांस की समस्या में फायदेमंद। भृंगराज में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण अस्थमा के दौरान होने वाले फेफड़ों की सूजन को दूर करने के साथ ही फेफड़ों को कई प्रकार से फायदा पहुँचाने में कारगर हो सकता है। इससे आपको सांस लेने में होने वाली तकलीफ में भी राहत मिल सकती है। बुखार को दूर करें। भृंगराज में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो बुखार को दूर करने में कारगर हो सकते हैं। इसकी मदद से मलेरिया, डेंगू व
चिकनगुनिया को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा यह मच्छरों को पनपने से रोकने में भी कारगर साबित होता है। शरीर को ऊर्जावान बनाता है। आयुर्वेद में भिंगराज का उपयोग औषधीय गुणों के कारण एनर्जी बूस्टर के रूप में किया जाता है। इसके उपयोग से उम्र के साथ खत्म होती ऊर्जा को फिर से वापस लाया जाता है। इसके अलावा यह प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करके शरीर को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करता है। साथ ही इसका उपयोग शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। बालों के लिए भृंगराज तेल के फायदे। भृंगराज को आयुर्वेद में परंपरागत रूप से बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। भृंगराज के तेल में मौजूद मेथनॉल नामक पोषक तत्व बालों के विकास को आसान बनाने में मदद करता है। इसके तेल से नियमित मालिश करने से स्केल्प से रक्त संचार में सुधार होता है। तेल में मौजूद मेथनॉल नामक पोषक तत्व जब बालों की जड़ तक पहुंचता है तो यह बालों को मजबूत करने के साथ ही गंजेपन को भी रोक सकता है। यह आपके बालों को बढ़ावा देने के साथ साथ रूसी की समस्या को भी ठीक करता है। भृंगराज के फायदों को जानने के बाद अब बात करेंगे इसका उपयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों, भृंगराज के अर्क को नारियल के तेल में मिलाकर सिर की मसाज के लिए उपयोग कर सकते हैं। नहाने से पहले भृंगराज तेल की कुछ बूंदे शैम्पू में मिला देने से बालों को पर्याप्त रूप से पोषक तत्व मिल सकते हैं। अगर आपको अनिद्रा की शिकायत है तो बिस्तर पर जाने से पहले आप इसके तेल से आसानी से स्केल्प की मालिश करें। इससे आपको इंसोमेनिया यानी नींद न आने की बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। इसकी पत्तियों को अजवाइन के बीजों के साथ सेवन करने से पित्ताशय की समस्या का समाधान हो सकता है। इसकी पत्तियों को शीशम या नारियल तेल के साथ उबालकर अर्क बना लें। अब इस अर्क का उपयोग बालों को काला करने के लिए किया जा सकता है। इसके अर्क में पाए जाने वाले एंटी वायरल गुणों के कारण इसका उपयोग रानीखेत नामक घातक बीमारी के उपचार के लिए किया जा सकता है। यह मुर्गियों से होने वाले सबसे गंभीर वायरस में से एक है। आप इसके चूर्ण और अर्क का उपयोग सीमित मात्रा में औषधि के रूप में कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। भृंगराज के उपयोग के बाद आइए जानते हैं इससे होने वाले नुकसान। हालांकि भृंगराज एक कोई खास नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी इसके उपयोग में सावधानी बरतनी जरूरी। जरा सी लापरवाही के कारण थोड़े नुकसान हो सकते हैं। इसके तेल की तासीर ठंडी होती है, इसलिए अगर आपको सर्दी या जुकाम है तो इससे सिर की मालिश ना करें। जिन लोगों को लो शुगर की समस्या है उन्हें इसके सेवन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद गुण रक्त में मौजूद ग्लूकोज के स्तर को कम कर देता है। कब्ज की समस्या वालों को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीस्मामेटिक मल को चिकना होने से रोकता है। यह कब्ज में हानिकारक होता है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भृंगराज सिर्फ बालों के लिए नहीं बल्कि कई समस्याओं में गुणकारी है। इसलिए अगली बार इस तेल का इस्तेमाल करें तो इसके अन्य फायदों को भी जरूर याद कर ले। साथ ही इसके उपयोग करते समय इसके अनुमानित दुष्प्रभाव को भी अपने दिमाग में रखें। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।